भाई मेरे श्याम लग्यो स्वर से लिपि है। सुंदर रंगोली भी किशोरी जी ने वन्य धातुओं से बनाई है। सरकार उस पर पवित्र मृग चर्म पर विराजमान है। कृष्ण मृग चर्म का उत्तरीय धारण किए हुए हैं, धनुष बाण वहाँ रखा हुआ है भगवान के निकट, और उधर सामने लक्ष्मण जी हैं और उधर किशोरी जी हैं। एक वेदिका पर लक्ष्मण जी नीचे हैं, राम जी उनको देख कर कुछ चर्चा, क्या चर्चा कर रहे हैं, भरत जी की चर्चा कर रहे हैं। अब भरत जी पीछे से आ रहे हैं, सीधे चढ़ रहे हैं ना, तो पीछे से आ रहे हैं भरत जी, तो उनको राम जी का मुख नहीं दिखा। किसका? राम जी का। और पीछे से आएगा तो क्या दिखेगी? पीठ। इसलिए भरत जी आ गए, राम जी को पता नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु भरत जी आ गए। तब राम जी कहीं धनुष, कहीं पीताम, कहीं पटका, भगवान का गिरा, भगवान दौड़े। अब यहां एक विशेष बात है, भरत जी जैसे प्रेमी इतने व्याकुल हैं, राम जी का सन्मुख दर्शन नहीं हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा तब उनको राम जी इधर मुड़े तब दर्शन हुआ। इस संबंध में परम पूज्य श्री अयोध्यानाथ मंदिर वाले महाराज जी अनंत श्री समलंकृत प्रातस्मरणीय गुरुवत् समादरणीय श्री संत गोपालाचार्य जी महाराज, वो कहते थे कि भरत जी से एक अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? गुरु जी को पीठ देकर आ गए। गुरु कृपा से ही तो गोविंद का दर्शन होता है। और जब साष्टांग किया तो साष्टांग के समय उस दिशा की ओर पैर हो गए जिस दिशा से गुरुदेव आ रहे थे। बड़ी सूक्ष्म बात है, बड़ी बारीक बात है। तो गुरु के प्रति अपराध भले ही अनजाने में पर बना, तो उसकी निवृत्ति कौन करेगा? गुरु। गुरु कौन है? लक्ष्मण जी, जीवाचार्य गुरु हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण प्रभु श्री भरत जी प्रणाम कर रहे हैं और पीछे से प्रणाम कर रहे हैं। पीछे से प्रणाम क्यों कर रहे हैं? इसके दो हेतु हैं। एक हेतु तो यह है कि प्रेम विभोर हैं, आगे पीछे का ध्यान नहीं। भाई सावधान हो तब तो पने कि इधर से दंडवत मत करो, उधर से करो। अब प्रेम में विभोर हो रहे हैं, कहीं से भी किया, भाव पक्ष। और दूसरा पक्ष है कि भरत जी जानते हैं श्री राम सामान्य नहीं है। सर्वतः पाणिपादोस्य सर्वतोक्षिशरो मुखम सर्वतः श्रुतिमन लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। श्री राम सर्वतः पाणिपाद हैं, इसलिए राम जी ही ऐसे हैं, इनको दाएं बाएं आगे पीछे कहीं से करो, ये तो सर्वतः पाणिपाद हैं। सर्वतोक्षिशरो मुखम है, विश्वतश्चक्षुरित मुखो विश्वतो बाहुरित विश्वतस्पात संबाहुयान धमति संपत त्रैर द्यावा भूमि जनयन देव एकः। ऐसे भगवान है। इसलिए भैया प्रणाम में बहुत विवेक रखो, ठाकुर जी की तरफ पैर ना हो जाए। गुरु जी को भी प्रणाम करते समय ठाकुर जी की तरफ पैर ना हो जाए, ठाकुर जी को प्रणाम करते समय गुरु जी की तरफ पैर ना हो जाए। हमारे यहाँ मंदिरों में ऐसे सामने से प्रणाम नहीं किया जाता है। सामने भगवत पार्षद होते हैं, वो सब गुरु हैं, उनकी ओर पैर हो जाएगा। भगवान की बाईं ओर संपूर्ण देवता खड़े होते हैं, उनकी ओर पैर हो जाएगा। भगवान जहां विराजमान हैं उनके दाहिनी ओर से प्रणाम किया जाता है। जैसे यहाँ रघुनाथ जी विराज रहे हैं तो प्रणाम करेंगे तो न सामने से करेंगे, न इधर से करेंगे, किधर से करेंगे? उस तरफ से, माने राम जी की दाहिनी भुजा की ओर से प्रणाम करेंगे। जो संतों की पद्धति है प्रणाम की वो यही है, पीछे किसी की ओर पैर न हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सब चीज में विवेक चाहिए। मेरे श्याम।